चलो चलो चलो, बहुत गंदा वाला रास्ता आ गया है ये, पीछे आ पीछे। Hey guys, इन लोगों की फरमाइश पे मैंने गुजराती में व्लॉग करना स्टार्ट किया है अभी। क्या आप लोग आज आपकी लैंग्वेज आ रही है बात करवाने? आजा भाई, हाय हाय बोला। Hey guys, welcome back to my new vlog. Guys, मैंने अपना सुबेरे का रूटीन खत्म कर दिया है एंड guys, आज मैं इतना बिजी था कि मैं अभी दो बज चुके हैं guys, क्योंकि मम्मी को यहाँ पे पेन हो रहा था दांत के अंदर, दो दिन से हो रहा था, तो और मेरा बड़ा भाई ले गए थे हॉस्पिटल एंड फाइनली मम्मी का जो दांत है वो पस फॉर्मेशन की वजह से वो पूरा पक चुका था, तो हम लोग ने निकलवा दिया फाइनली एंड अभी मम्मी को बहुत राहत मिल गई है। अभी मैं जाने वाला हूँ अपने दोस्त के फार्म पे क्योंकि वहाँ पे उसका बाइक खराब पड़ा हुआ है। यहाँ से वो निकल रहा है बाइक एंड हम लोग पैदल चलेंगे। चलो चलो चलो। गाइस फिर से ऐसा बहुत गंदा वाला रास्ता आ गया है, ये बहुत गीला है, बहुत पानी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और अफजल ने बाइक निकाला लेकिन उसमें से उसका चप्पल वहां पे रह गया है। भाई पीछे आ जा, पीछे पसंद आए। गाइस मेरे सैंडल बहुत खराब हो चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं, अफजल का चप्पल भी नहीं मिल जाए। फाइनली आ गया, उसके पाँव देखो पाँव। अभी भी गाइस उसका फार्म आया नहीं है, फटाफट से बैठते और भी हमको आगे जाने का है। गाइस हम लोग आए ना तो फिर से ऐसा वाला रास्ता आ गया है, हम लोग ने बाइक वहाँ पे पार्किंग कर दिया है। हे गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने दोस्त के फार्म पे और गाइस आपने देखा कि कितने रास्ते खराब थे। यहाँ पे दोनों लोग काम कर रहे हैं बाइक का। गाइस कुछ पलक वगैरह का प्रॉब्लम है और हमारा मैकेनिक भी हमारे साथ है। गाइस अभी मैं दो दिन के बाद वडोदरा जाने वाला हूँ, उसके कारण मैं अभी अपने जो बचपन के दोस्त है उनके साथ समय बिता रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है गाइस। एंड गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा हरियाली ही हरियाली है एंड गाइस उसको देख के बहुत मजा आता है। एंड गाइस अभी हम लोग जाएंगे सामने वाले फार्म पे। गाइस हमको यहाँ पे जो कॉटन वाला प्लांट है ना वहाँ पे ऐसा मस्त ऐसा जो क्या बोलते हैं उसको गुजराती में बोलते हैं रहमड़ीनी शेगो। गाइस ये है रहमड़ीनी शेगो। गाइस हमको तीन तो मिल गई है तो फाइनली हमको उसको धोएंगे और खाएंगे। गाइस इस सिंग को आप क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमने ये साफ कर लिया है तो हम लोग खाएंगे एंड एंजॉय करेंगे। गाइस एक मस्त चीज दिखाता हूँ, गाइस यहाँ पे देख सकते हो कितने मस्त घोंसले है। ओ वाव यार। गाइस अभी हम लोग फाइनली जा रहे हैं वापस एंड गाइस हमारा जो काम है वो ठीक नहीं हो पा रहा है बाइक का क्योंकि हम उस बाइक को गैरेज में भिजवाना पड़ेगा, बहुत बड़ा इश्यू है, तो फटाफट से हम लोग जाएंगे पैदल थोड़ी देर में, वहां पे सामने हमारा बाइक पड़ा हुआ है। शानदार लौंडा है, इधर इधर रास्ता भूलो। गैस अभी आगे भी एक बहुत ज्यादा डेंजर रास्ता आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे हमारा गाँव का पुनः पानी आता है। गैस फाइनली वो रास्ता आ चुका है एंड रास्ता इज कमिंग। तुम्हारा हाँ बोले नहीं सर नावा हुआ सर्दी ले ले बोल ना मन तू बैठो बैठो नहीं तो शैम्पू भूल रहे ना लू जा दे धीरे धीरे जा दे। फाइनली हमने वो रास्ता खत्म कर दिया है, पार कर दिया है। हे गाइस अभी हमने फाइनली रोड पे आ चुके हैं एंड गाइस अभी हमारी जान में जान आई है क्योंकि बहुत डेंजर वाला रास्ता था एंड फर्स्ट टाइम हम लोग वहां पे गए थे। तो हे गाइस अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, वो सामने पेट्रोल डलवा रहे हैं एंड फटाफट से हम लोग पेट्रोल डलवा के जाते हैं घूमने के लिए। हे गाइस अभी हमारा पेट्रोल भराना हो चुका है एंड हम लोग अभी जा रहे हैं कुंभासन जहाँ के भजिए इतने ज्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ पे मुंबई चौकड़ी पड़ती है, इसके कारण बहुत ज्यादा पब्लिक वहाँ पे आती है भजिया खाने के लिए और हम भी तीन लोग जा रहे हैं भजिया खाने के लिए। हमारे पास दो बाइक थे लेकिन एक बाइक तो अनफॉर्चुनेटली वो खराब पड़ा है एंड दूसरा बाइक पे हम लोग तीन लोग एक ही बाइक पे जा रहे हैं, तो फटाफट से चलते हैं कुंभासन भजिया खाने के लिए। हे गाइस अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे जहाँ पे जो शॉप है भजिया वाले की एंड अफजल अंदर गया है भजिया का ऑर्डर देने के लिए और हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, मस्त हवा चल रही है और खाएंगे एंजॉय करेंगे। गाइस अभी फाइनली हमारे भजिया आ चुके हैं एंड गाइस यहाँ पे भजियों का जो शेप भी वो भी अलग है।
वैसे भी हमारा खाना पीना हो चुका है एंड बहुत अच्छा नाश्ता था, तो हमने बहुत पेट भर के खाया। तो हम फटाफट से निकलते हैं घर के लिए। हे गाइस, फाइनल में घर पे आ चुका हूँ। मैंने इतना एंजॉय किया अपने पुराने दोस्तों के साथ, बहुत मजा आया गाइस। गाइस अभी मेरे को टायर्डनेस फील हो रहा है, मतलब बॉडी बहुत पेन कर रहा है गाइस, स्पेशली मेरा दो पांव ज्यादा दुख रहे हैं। तो अभी पे की गोली भी ले ली है एंड गाइस आई होप अच्छा हो जाए। हे गाइस, हमने ट्रैवलिंग की, हमने को बहुत टायर्डनेस लग रहा था, मैंने दवा भी ले ली है, अभी मेरे को अच्छा लग रहा है। एंड गाइस अभी मैं आ गया हूँ अपने दोस्तों के पास। मैं 7-8 दिन से यहाँ पे हूँ लेकिन मैं उन लोगों से मिला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4-5 दिनों से तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बरसात हो रही थी, मैं यहाँ पे आ नहीं रहा था। ये लोग तो बेचारे यहाँ पे आते ही थे। अभी दोस्तों के साथ जब मैं मिलता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और 2 दिन के बाद मैं जाने वाला हूँ वडोदरा के लिए। हे गाइस, इन लोगों की फरमाइश पे मैंने गुजराती में व्लॉग करना स्टार्ट किया है अभी। तो गाइस हूँ तमने मळ्यो छु मारा एक मस्त फ्रेंड ने, जे तमने कई बे शब्दो कहसे, बे शब्द तो को बोलते आवर तू ना गाइस जमन, बाकी हमें हमारा वीजा करना, ये शब्द केवा मांगिए जिए કે આપણને અલગ આપણી લેંગ્વેજ આવડે છે વાત કરવાની, જો હિન્દી ઇંગ્લિશ તમિલ તમે કઈ ભાષામાં આપણે વાત કરીશું તમે કમેન્ટ કરી ચોઇસ કરો, બરોબર? મારા કેમેરાની બીકથી જુઓ ને, અહીંયાથી કોઈ એક માણસ નથી બેઠું, બધા પાછળ છે ગાઈસ। હું શોર્ટ ટાઈમના અંદર યુટ્યુબ ચાલુ કરવાનો છું, મને સપોર્ટ કરજો, શેર કમેન્ટ સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારા આદિલભાઈ, મને સાથ આવવાના બધા જ આવતા રહેજે, આપણે એકલા બેઠા છીએ। આજાભાઈ હાય, હાય અહીંયાની ફેમસ જો પેલા શિવ મમરા ગુગલ પે એક્સેપ્ટ હે, આનું નામ છે અભિરાર, પ્રાઉડ છે કે જે બોલ્યો એટલી હિંમત થી, બાકી કોઈમાં એટલો દમ નથી કે જે બોલે। ગાઈઝ અમારે ત્યાં જ્યાં અહીંયા લોકો બધા બેસે છે ત્યાં એક મસ્ત મજાની એક પાર્લર છે જેનું નામ છે નૂર પાર્લર, અને જેના ઓનર છે કોણ છે, બાદરપુરા ગાઈઝ, અમારા નિઝામભાઈ, સિરાજભાઈ, અનિશભાઈ, અનિશભાઈ આપણી સ્ટુડિયો પડે શરમોઈ છે, ભુવેશભાઈ, તેમજ પરાણભાઈ માકરોઈયા, તેમજ સજ્જાદ તે ભેંસોનું કામ કરે છે, બાપડો ભણેલો ગણેલો બહુ જ છે, ઉપસરભાઈ તે મોટા વાયા રોયલો તો કન્સર્ન નો માલિક, તેમજ ભરતભાઈ જે તે બીઆઈ ના માલિક છે, હાજરાભાઈ, ફરમાનભાઈ, બસ ગાઈઝ બહુ મજા આયા આજ મેરે કો। हे गाइस, अभी फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ एंड गाइस अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय किया। अभी ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। तो गाइस अभी आई होप आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।